डीजीपी प्रिजन हेमंत कुमार लोहिया की निर्मम हत्या कर दी जाती है। बताया ये जा रहा है कि यही वो बैकडोर है जिसे हत्यारा बताया जा रहा है यासिर अहमद, जो कि रामबन का रहने वाला था और डीजी प्रिजन के साथ पिछले 6 महीनों से एज ए डोमेस्टिक हेल्पर काम कर रहा था, यहीं से वो भागने में सफल हुआ है। नीचे आप देख सकते हैं कि हत्या के बारे में ये कहा जा रहा है कि एक शार्प एज्ड वेपन से हेमंत कुमार लोहिया के ऊपर जो है हमला किया गया और उसके बाद एक पिलो को जलाकर जो है वो उसके ऊपर फेंका गया। डीजीपी दिलबाग सिंह की अगर बात की जाए तो वो यहाँ पर स्पॉट पर आए थे। उन्होंने यहाँ पर जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा, पहले एक शार्प एज्ड वेपन के साथ, जिसके आप ग्लास शार्ड यहाँ पर देख सकते हैं खून से सदे हुए, इन एक शार्प एज्ड वेपन के साथ हेमंत कुमार लोहिया डीजी प्रिजन के ऊपर हमला किया गया। उसके बाद डीजीपी दिलबाग सिंह का ये कहना है कि एक पिलो को जलाकर उनके ऊपर फेंका गया और उन्हें सफोकेट करने की कोशिश की गई। ये जला हुआ पिल्लो जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इन्हीं सीढ़ियों के ऊपर। ये वो बैक गेट है जिस बैक गेट से बताया जा रहा है कि वो हत्यारा भागने में सफल हुआ है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस के हाथ लग चुकी है और इन्वेस्टिगेशन इस मामले में ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। जहाँ तक बात की जाए इस हत्या की, तो एक तरफ पे पीपल्स एंटी फेसिस्ट फ्रंट ने जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है इस मर्डर की। वो एक आतंकी संगठन है जो कि लश्कर ए तोयबा के साथ का एफिलिएट बताया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पुलिस ने और खासतौर पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं ये हर एक इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करना चाहती हैं, क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं, लेकिन इस मामले में अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। जिस समय इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, अगर कोई टेरर एंगल आता है तो उसे भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसमें कोई टेरर एंगल देखा नहीं जा रहा। साथ ही में जो डोमेस्टिक हेल्पर यासिर बताया जा रहा है रामबन का रहने वाला, उसकी मानसिक स्थिति को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो फ्रस्ट्रेटेड था, वो डिप्रेस था। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि डोमेस्टिक हेल्पर जो 6 महीने के साथ डीजी प्रिजन के साथ काम कर रहा था, क्या उसकी कैरेक्टर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई थी? अगर वो फ्रस्ट्रेटेड था, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो किस तरीके से 6 महीने के साथ के समय में 6 महीने तक जो है वो डीजी प्रिजन के साथ काम करता रहा। हालांकि पुलिस जो है वो हर एक आम व्यक्ति को भी कहती है कि आप अपने घर में कोई डोमेस्टिक हेल्पर अगर रखते हैं तो पहले उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करवा लें ताकि कोई हादसा जो है वो अंजाम ना आए। इस मामले में किस तरीके से चूक हुई, वहीं दूसरी ओर जो है यहाँ पर कल के इंसिडेंट को लेकर ये बताया जा रहा है, ये जो घर है ये हेमंत कुमार लोहिया डीजी प्रिजन के दोस्त राजीव खजूरिया का घर है और इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि कल वो अपने परिवार के साथ इसी घर में रुके हुए थे। उनकी पत्नी और उनका बेटा उनके साथ थे जिस समय वो राजीव खजूरिया और उनके परिवार के साथ इस घर में रुके हुए थे। कल के इंसिडेंट के बाद बारे में जो है पुलिस के सूत्रों का ये कहना है और जो पुलिस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया उसमें भी ये बताया है कि वो खाना खाने के बाद जो है उनके पैर में कुछ चोट लगी हुई थी। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि उस चोट पर मरहम लगाने के लिए कमरे में उन्होंने उस डोमेस्टिक हेल्प यासिर को बुलाया, वो मरहम लगाने के लिए कमरे में गया लेकिन उसके बाद उस कमरे में कुंडी लगा दी गई और उसने हमला करना शुरू कर दिया हेमंत कुमार लोहिया के ऊपर। जो परिवार के लोग थे उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा बंद था। उसके बाद कल जब उन्होंने चीखें सुनी उसके बाद पुलिस को जो है यहाँ पर बुलाया गया। पुलिस दरवाजा तोड़कर जब अंदर गई तो अंदर ये सामने अंदर जो है वो मालूम ये चला कि हेमंत कुमार लोहिया जो डीजी प्रिजन है उनकी हत्या जो है वो हो चुकी है। उनकी हत्या को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि उनके एब्डोमेन पे स्टैब वूंड्स हैं, यानी कि एक शार्प एज्ड वेपन के साथ, एक नुकीले वेपन के साथ जो है उन पर हमला किया गया, उनके एब्डोमेन में स्टैब वूंड्स हैं। उसके अलावा उनके सर पर चोट आई है ये बताया गया और साथ ही में बॉडी पर बर्न मार्क्स भी बताए जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये पिलो सामने है, जलाया हुआ पिलो सामने, जिससे लग रहा है कि उनके बॉडी को जलाने की भी कोशिश की गई है। अब क्या इसमें कोई आतंकी एंगल है या नहीं है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम चलेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि रात को इतना बड़ा वाकया जो है वो अंजाम आया है और जो हत्यारा है वो यहाँ से भाग निकलने में जो है वो सक्सेसफुल हो गया। यहीं से बताया जा रहा है कि ये पीछे से आया, सीसीटीवी फुटेज में जो है वो भागते हुए नजर आया है, जिसकी वजह से पुलिस का कहना है कि प्राइम सस्पेक्ट वही डोमेस्टिक हेल्प यासिर है। यहां से वो भागने में कामयाब हुआ। उसके बाद आगे बताया जा रहा है, आगे भी कुछ सीसीटीवी कैमराज में जो है उसकी तस्वीरें कैप्चर हुई हैं और पुलिस ने जो है अपील किया हम लोगों से भी कि अगर कहीं पर भी यासिर जो है वो नजर आता है, स्पॉट किया जाता है, उसकी तस्वीर आपको स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी नजर आएगी, अगर कहीं पर भी वो स्पॉट होता है तो पुलिस को फौरन उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि उसे पकड़ा जा सके। वहीं पुलिस जो है वो पूरी कोशिश करी इस मामले में तहकीकात करने की, इन्वेस्टिगेशन करने की, मालूम करने की कि आखिर
किस तरीके की आखिर क्या मोटिवेशन थी इस हत्या के पीछे, क्यों जो है वो यासिर ने हेमंत कुमार लोहिया के ऊपर अटैक किया, डीजी प्रिजन के ऊपर अटैक किया। सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, ये वो सस्पेक्ट है रामबन का रहने वाला यासिर, जो पिछले 6 महीने से डीजी प्रिजन के साथ एज अ डोमेस्टिक हेल्प काम कर रहा था। जब मालूम करने की कोशिश की गई कि आखिर डीजी प्रिजन जो है जिस औहदे पर वो हैं उसके चलते उनके पास जो सिक्योरिटी होती है, उसके बावजूद भी वो इस घर में आखिर क्यों रुके थे रात को, सिक्योरिटी का वो बंदोबस्त उनके साथ क्यों नहीं था, हालांकि उन्हें पैसों भी दिया गया है, गार्ड भी दिया गया है, ड्राइवर भी दिया गया है, ये डोमेस्टिक हेल्प भी उनके साथ होता है, वो इस घर में आखिर रुके क्यों थे। तो मालूम ये चला कि वो उन्हें परसों जो है वो श्रीनगर जाना था, फिलहाल जम्मू में, हालांकि उन्हें गांधीनगर में कुछ अकोमोडेशन दी भी गई है, लेकिन सूत्रों का ये कहना है कि उस अकोमोडेशन में रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिसके चलते वो टेम्परेरी तौर पर 1-2 दिनों के लिए अपने दोस्त के पास यहाँ राजीव खजूरिया के घर में रहने के लिए आए थे। सामने आप तस्वीर यासिर की देख रहे होंगे, ये वो डोमेस्टिक हेल्प है जो प्राइम सस्पेक्ट इस हत्याकांड का भी बताया जा रहा है, जिसे ढूंढने की कोशिश जो है वो पुलिस लगातार कर रही है, मालूम करने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्यों जो है यासिर ने डीजी प्रिजन के ऊपर हमला किया। हालांकि इसकी मानसिक स्थिति तो बताई जा रही है कि वो फ्रस्ट्रेटेड था, डिप्रेस था, मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन इसमें टेरेंगल को भी ये कहा गया है कि कम्प्लीटली रूल आउट नहीं किया जाएगा, अगर कोई टेरेंगल निकल कर आता है तो उसे भी इन्वेस्टिगेट जरूर किया जाएगा। हम इस समय राजीव खजूरिया जी के घर के पीछे हैं, ये बैक गेट है, और आप तक जो है वो दृश्य पहुंचा रहे हैं यहाँ के कि पुलिस का हमला भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस के ऑफिसर्स जो हैं वो अफसोस करने के लिए भी यहाँ पर हेमंत कुमार लोहिया के परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं, साथ ही में हेमंत कुमार लोहिया के माता पिता भी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं फैमिली के साथ इस दुख की घड़ी में जुड़ने के लिए, वो यहाँ पर राजीव खजूरिया जी के घर पर पहुंच चुके हैं और वो भी अंदर जा चुके हैं, लेकिन फिलहाल जो है पुलिस का फोकस इसी बात के ऊपर कि मालूम किया जाए जल्द से जल्द कि यासिर आखिर कहाँ भाग निकला है, क्या ये प्लान्ड मर्डर था या फिर ये जो है अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ये हत्याकांड अंजाम इस हत्याकांड को उसने अंजाम दिया, क्या कारण है इसके पीछे, कि क्या इसे प्लान करके किया गया था, अगर प्लान करके किया गया था तो कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, उन सभी एंगल्स को प्रोब करने का काम जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। लेकिन फिलहाल खबर यही कि जम्मू कश्मीर के डीजी प्रिजंस हेमंत कुमार लोहिया का कल रात को निर्मम हत्या कर दी गई, हत्या करने वाला यासिर फरार है।